जी बहुत बहुत स्वागत है, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो कितना चैलेंजिंग रहा जिस तरह से आज का जो इवेंट है, और आप तो एक्टर बड़ी जिस तरह से आपने कंपनी लॉन्च की है, जिस तरह से आप मार्केट में काम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपकी किस तरह से तैयारी हुई, किस तरह से आपने ये सोचा कि भाई मुझे इस तरह की कंपनी लॉन्च होनी चाहिए? सर, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी पूरी टीम का थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की ये टैलेंट को खोजने में। ये टैलेंट बहुत सारे सिटीज से ढूंढ ढूंढ के आया है। जितने हमने यहाँ पे भी टैलेंट शो रैंपॉक्स देखे हैं, ये सिर्फ स्पेशली दिल्ली के नहीं हैं, ये बहुत सारे सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। ये लोग आए, इन्होंने टैलेंट ढूंढा, यानी कि स्टेज पर एक मंच पर लेके आए इनको। सो आई एम थैंकफुल टू माई टीम। जी, जिस तरह से आज जिस तरह से आप दिल्ली में, आपका कंपनी है दिल्ली में, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज, इससे अब आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी, आपका नेक्स्ट जो शो होंगे आपकी, कहाँ कहाँ पर आप इस तरह के अपनी एक्टिविटीज के ऑडिशन रखेंगे, ऑडिशन लेकर जाएंगे, और कहाँ कहाँ किस तरह से आप करेंगे? हम लोग अभी पूरा नॉर्थ इंडिया टैप कर रहे हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट शो है वो जलंधर होने वाला है बहुत जल्दी। डेट्स अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डेट डिस्क्लोज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को देखते हुए। बट नेक्स्ट शो हमारा जलंधर हो रहा है, एंड ऐसे फैशन शोज हम लोग टैलेंट मार्केट से ढूंढ के लाते ही रहेंगे। हम लोग अभी बहुत जल्दी एक वेब सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं, जैसे आप उस सीरीज़ में ईजिली यूट्यूब पर देख सकते हैं। सर, एक्टर्स बड़ी से अभी अनुभव एक बच्चा है जो हमारा ही मॉडल है, वो आगे किसी एक मूवी में भी सिलेक्ट हुआ है। अभी उसने एक शॉर्ट फिल्म भी की है। हम लोग अपने जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, या जितने हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, उनको लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी देते रहते हैं और देते रहेंगे भी आगे। जी,